रुके। आज आप कक्षा 10वीं में विज्ञान में जैव प्रक्रम को समझेंगे, बायो प्रोसेस को समझेंगे। जीव कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बना सकती हैं और उत्तक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं और कोशिका स्वयं छोटे छोटे और बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर के बनी होती है, जैसे प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से मिलकर के बनी होती है। कोशिका में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक, माइटोकांड्रिया, गाजिकाय। ये कोशिकांग समय समय पर, कोशिकाएं समय समय पर वातावरणीय दशाओं के कारण विघटित होती रहती है, नष्ट होती रहती हैं, मृत हो जाती हैं। अगर किसी जीव के शरीर में कोशिकाएं निरंतर मरती रहें तो उत्तक भी मृत हो जाएगा और उत्तक के मृत होने के साथ ही अंग भी मर सकता है। इस प्रकार से जीव की मृत्यु हो सकती है। चूंकि कोशिकाएं जो हैं वो कोशिकाएं अणुओं से मिलकर के बनी होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पर कोई कोशिकाएं हैं और यहाँ पर राइबोसोम के कण हैं, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है और ये कोशिकांग मृत हो गया। क्योंकि अगर यह कोशिकांग मृत हो जाता है तो कोशिका में इसके लिए दूसरा कोशिकांग बनना चाहिए, नहीं तो ये कोशिका अपने कार्यों को सही ढंग से कर नहीं पाएगी। तो चूंकि ये जो कोशिकांग था वह प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसाओं से निर्मित था, अतः इस प्रोटीन को यहाँ से चल करके वहां तक जाना चाहिए, यानी कि इन अणुओं को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को लगातार गतिशील होना चाहिए ताकि जहां पर भी इनकी आवश्यकता है वे वहां पहुंच जाएं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे मस्तिष्क को भी है, हमारे हाथों को है, हमारे पैरों को है। तो यह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से मस्तिष्क, पैरों, हाथों तक जाती है, यानी यह ऑक्सीजन लगातार गतिशील है, कभी भी स्थिर नहीं होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो भोजन है वो लगातार गतिशील होता है रक्त के द्वारा, और रक्त में जो कण होते हैं जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, हार्मोन, ये लगातार शरीर में परिक्रमण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो अणु हैं वो लगातार गति में होने चाहिए। अगर ये गति में नहीं रहेंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है। चूंकि जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, तो इनकी मरम्मत करने के लिए, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए एक अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होगी, एक मरम्मत की आवश्यकता होगी। तो वे सभी प्रक्रम जो किसी भी जीव में टूट फूट को, किसी हानि को रोकने के लिए, उसके जगह पर मरम्मत करने के लिए जो जो क्रियाएं काम में आती हैं उन्हें ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये सभी प्रक्रम हमारे जीवित रहने के लिए, हमें जीवित दशा में बने रहने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो इस तरह से जैव प्रक्रम की परिभाषा इस तरह से बनती है, वे सभी प्रक्रम जो किसी भी जीव के अनुरक्षण के काम आती हैं वे जैव प्रक्रम कहलाती हैं। चूंकि जीव के शरीर में अगर कहीं पर भी टूट फूट होती है, कोई कोशिका जो था वो डेड हो गया, कोई कोशिका डेड हो गया, तो उसके मरम्मत की आवश्यकता होगी, अनुरक्षण की आवश्यकता होगी। तो इस अनुरक्षण प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बिना ऊर्जा के यह क्रिया हो नहीं पाएगी। तो इस ऊर्जा की भरपाई जीव अपने बाहरी वातावरण से भोजन को लेकर के करता है। बाहरी वातावरण से भोजन का शरीर के अंदर पहुंचना ही पोषण कहलाता है। भोजन से हमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे ऊर्जा युक्त यौगिक मिलते हैं।
चूंकि जीव के शरीर में वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है, तो इसके लिए भी जीव को अतिरिक्त मात्रा में भोजन को ग्रहण करना होगा। अब ये भोजन के कण एक बार जीव शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं तो इनका पाचन होता है। जब भोजन किसी भी जीव के शरीर में पहुंच जाता है तो इसका पाचन होता है, और पाचन होने के पश्चात ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। फिर ये छोटे छोटे कण अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं। जो भोजन नहीं पचता है अर्थात अपचे हुए रूप में रहता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब भोजन के कण शरीर के कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं तो कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को करने के लिए, जैसे श्वसन करने के लिए, जैसे गति करने के लिए, कोशिकाओं को एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा कैसे प्राप्त हो सकता है? कोशिकाओं में भोजन के कण जो गए हैं, जैसे ग्लूकोज, उनका ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसको कोशिकाएं अपने विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए उपयोग में लाती हैं। तो ऊर्जा के इस उत्पादन की प्रक्रिया में हम सभी जीवधारी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं। बाहरी वातावरण से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, और यहाँ पर ग्लूकोज होता है, यहाँ पर ग्लूकोज होता है। यह ऑक्सीजन जब कोशिका में आता है तो वह ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है, और इसी एटीपी के द्वारा ये कोशिका अपने सभी कार्यों को संपादित करती है। तो कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार कोशिका में जो भोजन के कण हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो, चाहे वो प्रोटीन हो, इसके विखंडन के लिए बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन का प्रयोग करना ही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अर्थात जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, और यही ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंच करके भोजन का विखंडन करता है और हमें ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसको हम लोग बाह्य वातावरण में निर्मुक्त कर देते हैं। धन्यवाद।